नरसिंहपुर नर्मदा शुगर मिल पर आयकर विभाग ने छापेमार कार्रवाई की। इसका संचालन करने वाले महेश्वरी ग्रुप के सभी ठिकानों पर आयकर ने छापे डाले हैं। होशंगाबाद जिले की बनखेड़ी के रामदेव शुगर मिल, साली चौका की नर्मदा शुगर मिल में भी आयकर का छापा मारा गया। करीब 20 से 25 सदस्यीय टीम जांच में जुटी है। गुरुवार की सुबह 6 बजे के लगभग आयकर विभाग की 6 गाड़ियां नर्मदा शुगर मिल के अंदर प्रवेश की तो वहां मौजूद कर्मचारी अधिकारी सकते में आ गए। टीम ने सभी को ऑफिस से बाहर निकाल दिया और नर्मदा शुगर मिल के सभी दफ्तर में आयकर की टीम दस्तावेज खंगालने में जुट गई। टीम के साथ कुछ पुलिसकर्मी भी गेट और शुगर मिल के तैनात हो गए। किसानों को किसी भी दफ्तर के अंदर नहीं जाने दिया और ना ही मीडिया को। शुगर मिल के साथ इथेनॉल और बिजली बनाने का काम भी किया जाता है। शक्ति शुगर मिल कौड़िया में भी कार्रवाई जारी है। भोपाल के इनकम टैक्स की टीमें दस्तावेज की जांच कर रही हैं। पिपरिया में भी क्षेत्र के प्रसिद्ध उद्योगपति ठैनी वाले सेठ की 7 मिलों और कई कार्यालयों पर इनकम टैक्स की एक दर्जन से अधिक टीमों ने गुरुवार को सुबह 6 बजे से छापामार कार्रवाई की है। इनोवा सहित कई लग्जरी गाड़ियों में आए इनकम टैक्स अधिकारियों ने जय गिरिराज राइस मिल, खापरखेड़ा राइस मिल, शोभापुर, रामदेव शुगर मिल, वनखेड़ी, शक्ति शुगर मिल, कौड़िया सहित बैतूल और गुजरात बॉर्डर पर स्थित शुगर मिल पिपरिया में श्रीजी एग्रो श्रीनाथ ट्रेडर्स के कागजात खंगाले हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।